Narin. Narin. तुम्हें नींद आ गई थी। अच्छा क्या तुमने मुझे जगा दिया? तुम्हारी गर्दन में दर्द होने लगेगा, तुम कमरे में जाओ। नहीं अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। देखो आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम कल कर लेना, ठीक है? नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझे बातों में मत लगाओ, मुझे काम करना है, मुझे ये सब कल खत्म करना है। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। क्या मैंने उससे रूडली बात की? ऐसा लगा जैसे मैंने उसकी बात काट दी हो। कितनी मतलबी हूं मैं। मैंने तो रेहान को कॉल ही नहीं किया। पता नहीं क्या कर रही होगी, क्या वो पहुंच गई होगी? उसे कॉल करूं या नहीं? तुम यही हो? हम एक ही छत के नीचे हैं पर तुम यहां नहीं आई। तुम ये सब क्यों कर रही हो? हम अलग हो चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। अब हमें दो मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करना चाहिए। दोनों को आगे बढ़ जाना चाहिए। हेलो रेहान, क्या तुम रास्ते में हो या पहुंच गई? नारिन, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, लेकिन मैं जा नहीं पाई, मैं मेंशन में हूँ। क्या मेंशन में? एमिर ने तुम्हें रोक दिया क्या? तुम दोनों के बीच सुलह हो गई? वो तुम्हें जाने नहीं दे सकता ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, और तुम इतना धीरे क्यों बोल रही हो? बताओ तो सही क्या हुआ? अभी नहीं नारिन, बाद में आमने सामने बैठकर बात करेंगे। पर तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं समझती हूँ, ये सही समय नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। गुड नाइट रेहान। चाहे कारण कुछ भी हो, पर मुझे खुशी होगी कि तुम वापस एमिर के साथ उस घर में हो। तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। मैं और एमिर एक घर में जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे से हम दोनों बहुत दूर हैं नारिन। वो मुझे बस नफरत से देखते हैं, ऐसे में मैं कैसे यहां रहूं? हमारे बीच बहुत फासले आ चुके हैं, पता नहीं मैं क्या करूंगी। आप बताइए डैड, मैं क्या करूं?
लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई। गुड मॉर्निंग। मैं काम पूरा करने से पहले सोना नहीं चाहती थी। मैंने वादा किया था कि मैं ये कल भेज दूंगी। उन्हें लगना चाहिए कि मैं अपने वादे पर टिकी रहती हूँ। बस थोड़ा ही बाकी है। कोई बात है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम काफी डिसिप्लिन और एम्बिशियस हो। ये खत्म करे बिना तो तुम नहीं सोने वाली। चमरे, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। काश हम समझ सकते कि एमिर ने ऐसा आखिर किया क्यों। हाँ, वो लड़की अभी भी हिकमत के पास ही है। वो एक नागिन की तरह मेरे पूरे घर में यहाँ से वहाँ मंडरा रही है। पर तुम फिक्र मत करो, एमिर के साथ वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। एमिर कुछ कह भी नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। ठीक है जेमरे, ठीक है। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे कि पहले से ही कम प्रॉब्लम्स थी, जो अब और मुसीबत आ गई। अब मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। ये इतनी खुश क्यों लग रही है? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। डैड, पता है ये मैंने और मिसेज मेलिके ने मिलकर बनाया है। इस लड़की के हाथों से कैसे खा रहा है, वो भी इस कवार के हाथों से। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। काश तुम मर जाओ और हमें तुमसे छुटकारा मिल जाए। ऐसा तो मेरे साथ हर रोज ही होता है। अब क्या हुआ? मेरा फोन खराब हो गया है। चार्ज पर लगाओ तो खुद ही बंद हो जाता है।
लगता ये अपडेट नहीं हुआ है तो फिर इसे फिर से रीस्टार्ट करो। नहीं बंद मत होना। तुम मुझे अपना फोन क्यों नहीं देते? मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है केमल के फोन में मेरे ऑफिस का नंबर कैसे सेव है। बिल्कुल नहीं, नहीं। पहले उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया और फिर वापस खुद ही मुझे कॉल किया। उनका मुझ में यूं इंटरेस्ट दिखाना और फिर ज्यादा सैलरी, अच्छा एक नंबर के गधे हो तुम, बिना इमोशन वाले गधे। तो ये नौकरी आखिर तुमने मुझे दिलाई? ये रात की मेडिसिन है पर खाने के पहले लेते हैं या? ओके। इसमें सुबह की मेडिसिन तो खत्म हो रही है, कहाँ रखी होंगी मिसेस मलिके ने? रियान दी, ज़ेनब। अच्छा ज़ेनब, तुमने मिसेस मलिके को देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, मुझे जल्दी से स्कूल पहुंचना है, मैं लेट हो रही हूँ, बाद में मिलते हैं। अच्छा मिसेस मलिके ने कहा था वो बाजार जाएंगी। क्या एमिर से जाकर पूछूं? हद हो गई है, एक छोटी सी बात पूछने में भी इतना सोचना पड़ रहा है। लेकिन डैड की दवाई लानी जरूरी है। वो रही, जल्दी से जाकर ले आती हूँ।
बात हुई? थैंक यू वेरी मच। यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा काम खत्म होने के पहले ही मुझे पैसे मिल गए। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, किसी चमत्कार से कम नहीं। और तुम्हें उनका इंटरेस्ट देखना चाहिए था, वो तो मेरा काम देखे बगैर ही मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। फिर तो अच्छा हुआ। तो अच्छा हुआ? हाँ बहुत अच्छा हुआ, शानदार। हाँ बहुत शानदार। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हो? मैं बढ़ा कर बोल रही हूँ? ऐसा नहीं है, तुमने मुझे ये नौकरी दिलवाई है, ये सच है कि नहीं? मैं तुमने इस कमरे में आने की हिम्मत कैसे की? ये मेरा कमरा है। वो डैड, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, तुम्हारा इस कमरे से कोई लेना देना है नहीं, बात समझ आ रही है तुम्हें मेरी? ये हमारा कमरा नहीं है, ये मेरा कमरा है। मेरे लिए तुम इस घर में सिर्फ एक कीड़े की तरह हो। जब तक तुम यहां हो मेरी नजरों से दूर रहना। मुझे इस वक्त सिर्फ मेरे डैड की परवाह और किसी की नहीं। मैं समझ गई। तुम ठीक तो हो? उसने जरूर तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, पर तुम्हें उसे समझना होगा। उसे थोड़ा समय चाहिए रेहान, तुम जानती हो उसे डिवोर्स नहीं लेना था। जब वो अच्छे अच्छे सपने देखना चाहता था तो तुमने उसे बुरे सपने में ढकेल दिया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुमने उसे छोड़ दिया है, और वो भी तो गलत नहीं है ना रेहान, तुम उसे छोड़कर गई थी, वो नहीं गया था, और ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे जाना पड़ा। इस तरह नहीं चल सकता। हाँ केमाल तारहून, मेरी तरफ देखो।
दोबारा ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी की नहीं, समझ में आया तुम्हें? याद रखना। के पहले आदमी नहीं हो और तुम हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले हो एमिर। हम जो चाहते हैं हमें जिंदगी में वो सब नहीं मिलता। तुम डिवोर्स लेना नहीं चाहते थे पर तुम्हें लेना पड़ा। तुम लोग अलग हो गए, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था और तुम्हें इसी के साथ जीना होगा एमिर। और चाहे कुछ भी हो तुम्हें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ही होगा। देखिए, बात करना बहुत आसान होता है, आपको पता है मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैं बस इतना जानती हूँ कि कोई भी दिल टूटने की वजह से मरा नहीं है और ना ही मरेगा, पर मेरे भाई उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। और ये बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम रेहान को यहाँ पर इस घर में क्यों वापस ले आए हो। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसके वजह से भाई पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। एमिर, तुम बस अपने डैड के बारे में सोचो। तुम्हें उसका एहसान मानना चाहिए। जेमरिक, कुछ मत पूछो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वो हमें एक बुरे सपने की तरह डरा रही है, सब उल्टा हो रहा है। जो आदमी इतने दिनों से एक निवाला भी नहीं खा रहा था वो उस गवार के हाथों से खाना खा रहा है। मैं तो पागल हो जाऊंगी। क्या है ये सब? क्या जानवरों का खाना लेकर आई हो? थोड़ी सी भूख लगी थी, इसे देखकर वो भी मर गई है। ले जाओ इसे, ले जाओ। और तुम आग में तेल डालने का काम कर रही हो, बहुत अच्छे जेमरे। अब बातें करना बंद करो और इस बारे में कुछ सोचो, वो भी जल्द से जल्द। एमिर को इस बारे में परेशान मत करना। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है पर वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में। रखती हूँ। जो भी जॉब के ऐड थे मैंने सब में अप्लाई कर दिया पर कुछ नहीं हुआ। मैं अब थक चुकी हूँ, देखो ना, शायद तुम ही मुझे कोई जॉब दिलवा दो। तुम्हारा पति इतना रिच है और तुम मुझे जॉब दिलाने के लिए कह रही हो? क्या मजाक है ये? इसका उससे क्या लेना देना? हाँ वो अमीर है पर वो मुझे काम करने से नहीं रोक सकता। सच में तुम बहुत ही अजीब हो। तुम कह रही हो कि तुम कहीं भी काम कर लोगी जबकि सब लोग तुम्हारी जगह पाने के लिए मरे जा रहे हैं। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। वैसे अगर तुम फ्री हो तो हम एक दिन मिलकर अच्छे से बात कर सकते हैं। मुझे भी तुमसे मिलना है। हाँ ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं लोकेशन सेंड करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। ओके, सी यू। मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल देने का कोई शौक नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था।
मैं सहरिया में जा रहा हूं। वो सिर्फ मदद करना चाहता था, गधा कहीं का। जो उसने किया उसे मदद नहीं कहते हैं, इसे साजिश कहते हैं। इस घर में एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम मेरे लिए इस घर में एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो। रेहान, तुम वापस आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। नहीं, मैं तो यहाँ वो है, पर अगर तुम सच में काम करना चाहती हो तो अपने हस्बैंड की कंपनी में लग जाओ ना। तुम्हें वेटर बनने की क्या जरूरत है? मैं खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरी मदद करोगी या नहीं करोगी। केमल तारुण की पत्नी काम करने के लिए वेट्रेस बनना चाहती है, ये तो कुछ नया ही चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं वो अभी थोड़े ठीक हैं, पर वो और अच्छे हो जाएंगे। भैया की इतनी तबीयत बिगड़ गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ओया को लेने नहीं आता तो तुम मुझे बताते भी नहीं। ये बात तो अलग है कि ओया ने खुद मुझे नहीं बताया। मैंने उन्हें मना किया था, पर आप यूरी के सिलसिले में थोड़े बिजी थे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। आप जैसा देख रहे हैं अब वो बिल्कुल ठीक है। वो मौत के मुंह से आए हैं अमीर, दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना। और रेहान का क्या, वो यहाँ क्या कर रही है? जब वो चली गई तब मेरे डैड की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। वो कुछ खा भी नहीं रहे थे। मेरे पास उसे वापस लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब डैड ठीक हो जाएंगे तब वो चली जाएगी। मैं तैयार हूँ। अब मैं भाई को आराम से यहाँ छोड़ सकती हूँ क्योंकि रेहान है, वो भाई का ध्यान रखेगी। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सुना से मिलते हुए जाऊंगी। एमिर, अगर कुछ भी कहना है तो मैं कह दूंगी। उसे कहना कि मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ और उसे मेरी तरफ से एक टाइट हग और एक किस भी देना। और हाँ, आप उसे कुछ भी नहीं बताएंगे। उसे डैड की सिचुएशन के बारे में पता नहीं। एमिर, तुम बस अपने डैड के बारे में सोचो। ठीक है, तो फिर चलते हैं। चलो।
हाँ मिसेस मलिके, मैं घर के पास ही हूँ। मैंने इसलिए फोन किया था कि मिस्टर हिकमत के लिए कुछ चाहिए। एक्चुअली उनकी दवाई खत्म हो गई है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमें मिलेगी नहीं, तो मिसेस मलिके मैं उसे बाद में ले आऊंगा, आप सीधे घर आ जाइए। मुझे पता है कि आपको हमें ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही है, पर मैं और कुछ नहीं कर सकता। I'm sorry. क्या तुम अपने डैड के कमरे से आ रहे हो? हाँ, मैंने उन्हें दवाई दी है। शुक्र है ऊपर वाले का, अब वो ठीक लग रहे हैं। मैं सोच रही थी कि रेहान को हमें अब एक कमरा दे ही देना चाहिए, या फिर वो गेस्ट रूम में रह सकती है। मुझे नहीं पता, क्या वो यहाँ लंबे समय तक रहेगी? वो यहाँ रहेगी जब तक डैड ठीक नहीं हो जाते। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, बल्कि मुझे खुशी हो रही है। वो तुम्हारे डैड का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रही है। पर क्या मॉम? मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो ये सब किस रिश्ते से कर रही है। क्या वो हिकमत की रिलेटिव है? क्या वो तुम्हारी एक्स वाइफ है? मुझे नहीं पता, पर अगर लोग पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? कुछ नहीं, आपको उनसे कुछ नहीं कहना है। हमें किसी को कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस वक्त सिर्फ मेरे डैड की परवाह है और किसी की नहीं, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते रेहान यहीं पर रहेगी। ठीक है, मुझे कपड़े चेंज करके ऑफिस जाना है, कुछ काम है। अच्छी लग रही हो आप भी। अच्छी लग रही हैं आंटी। केमल भाई भी आने वाले थे पर मसल ने रास्ते में ही फोन किया, तुम तो जानती हो ना उसे। अपनी बेटी को वो ना नहीं कह सकते, उन्हें कहना भी नहीं चाहिए। पर उन्होंने अपना प्यार भेजा और वो जल्दी आएंगे तुमसे मिलने। ये मेरे लिए है। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ब्रेसलेट तुम्हें गुड लक देगा। ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया, तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियां लाएगा। काश। तो घर पर सब ठीक है ना? वैसे ही जैसे तुम छोड़कर आई थी। और हाँ, एमिर ने तुम्हारे लिए प्यार भेजा है, उसने कहा कि उसकी जगह मैं तुम्हें किस करूं। मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ, मेंशन में रहने वाले सभी को मिस करती हूँ, मेरे भाई को, मलिके को। ओह, मैं भूल गई, ये ताजी है, इससे मिलवाना भूल गई। ताजी, हम पहले मिल चुके हैं, आप अच्छी लग रही हैं मिस सुना। थैंक यू वेरी मच ताजी। मैं क्या कह रही थी, मैं भूल ही गई, जब ये मेरे भाई के साथ था तब तुम मिली होंगी। ठीक तो? तुम्हें और कोई तरीका नहीं मिला? एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब सुसाइड के लिए।
क्या तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं था? अगर मुझे आने में देरी हो जाती तो तुम मर जाती। क्या है ये? इसका मतलब मैं पानी पीऊं, शांत हो जाऊं और सब भूल जाऊं जावेदान आंटी? चमरे, मैं ऐसा क्यों कहूंगी डियर कि तुम्हारे लिए है ताकि तुम शांत हो जाओ। वो सिर्फ हिकमत के ठीक होने तक यहाँ रहेगी। मुझे लगता है एमिर ने उस डिवोर्स को मान लिया है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, वो लड़की इस मौके को एमिर को इम्प्रेस करने के लिए यूज कर रही है। आसानी से हमारी जिंदगी से नहीं जाएगी। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। बेकार आदमी, और तुम भी ऐसी हो, बिल्कुल बेकार। और ये तो यहां लाश की तरह पड़े रहते हैं, बिना बोले तुम्हें यहां बुला लिया। निकलो यहां से। मैं नहीं, तुम निकलोगी इस घर से, समझ गई तुम? एमिर तुम्हें जरूर इस घर में लाया होगा, लेकिन तुम यहां नहीं रुकोगी, समझ गई तुम? जाओ यहां से। मैं अपनी मर्जी से नहीं, एमिर की मर्जी से आई हूं यहां। बच्चों, तुम दोनों के लिए ऑरेंज जूस लाई हूँ, फ्रेश फ्रेश, अभी पी लेना। थैंक यू मिस एरिया। बेटा, जरा एक मिनट बात सुनो। तुम्हारी वाइफ अभी तक नहीं आई, घर से गुस्से में गई थी, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ। अब तुमने क्या कर दिया? कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें ट्रांसलेट करना था। मुझे पता था वो नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने किसी और ट्रांसलेशन ऑफिस से करवाया। ये तुमने ठीक किया। हाँ, पर जब उसे ये पता चला तो वो भड़क गई। ओए, अपने हस्बैंड के सामने इतना घमंड दिखाती है। मुझे नहीं पता, अगर पता होता कि वो इतना नाराज हो जाएगी